अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का तीसरा पेपर डिस्कस करेंगे और इसके साथ में एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। सिफिलिस इज डायग्नोज्ड बाय वीडीआरएल टेस्ट। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। स्पाइरोकीट इज अ ट्रेपोनिमा पैलिडम। स्टेनिंग मटेरियल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज क्रिस्टल वायलेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसमें नन ऑफ दीज। प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग इन द स्ट्रीक प्लेट मेथड इज स्ट्रीकिंग। द एजेंट दैट किल द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टेरिसाइडल। रेजोल्यूशन पावर ऑफ द कंपाउंड 0.2 माइक्रोन। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम द पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें उसकी बेस आ जाएगी, कंडेंसर आ जाएगा, अपर्चर आ जाएगा, उसकी स्टेज आ जाएगी, स्टेज होल्डर आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस आ जाएंगे, उसकी मैकेनिकल ट्यूब आ जाएगी, आईपीस और कोर्स फोकसिंग नोब और फाइन फोकसिंग नोब। इम्यूनोलॉजी इज स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड पैरासाइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। राइट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन का प्रिंसिपल यही है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर थिक होती है, जिसकी वजह से जो हमारी क्रिस्टल वैलेट है उसके साथ जाके बाइंड करती है और वो ब्लू नजर आते हैं। जो ग्राम नेगेटिव हैं उसकी पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर थिन होती है और उसमें हमारी जो जब डीक्लोराइजर डालते हैं तो स्टेन उतर जाता है। स्टरीलाइजेशन कहते हैं जब हम किसी चीज़ को माइक्रोब्स और स्पोर्स दोनों से फ्री करें, मतलब दोनों चीज़ें किल हो जाएं, उसको स्टरीलाइजेशन कहते हैं। और जिसमें सिर्फ बैक्टीरियल जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो हम किल करें उसको डिसइंफेक्शन कहते हैं। और ये मोस्टली नॉन लिविंग थिंग पे होती है। हाउ टू परफॉर्म ऑक्सीडाइज रिएजेंट। ऑक्सीडाइज रिएजेंट में क्या करते हैं कि हम ऑक्सीडाइज रिएजेंट होता है उसको हम स्ट्रिप पे लगाते हैं फिल्टर पेपर पे और उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगाते हैं। अगर वो ब्लू हो जाता है फिल्टर पेपर तो ऑक्सीडाइज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई एच इन्फ्लुएंजा। एच इन्फ्लुएंजा यूजिंग एक्सवी फैक्टर। ये कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया को चाहिए होते हैं। हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं मीडिया पे और उसके साथ एक्स की स्ट्रिप रख देते हैं, वी की और एक्स वी की। तो जिस जिस बैक्टीरिया को जो जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं वहाँ पे उस स्ट्रिप के साथ ग्रोथ उनकी ज़्यादा आ जाएगी। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि फलां एच इन्फ्लुएंजा को ये वाले फैक्टर्स चाहिए। ट्रांसपोर्ट मीडिया ऐसा मीडिया होता है जो हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। इसमें एमिस ट्रांसपोर्ट मीडिया है, अल्कलाइन पेप्टोन वाटर है। राइट फोर डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेमोलिसिस एंड बीटा हेमोलिसिस। अल्फा हेमोलिसिस जो पार्शियल हेमोलिसिस होती है, बीटा हेमोलिसिस कंप्लीट हेमोलिसिस होती है। इसमें जो हमारा ब्लड है वो बिलीबर्डिन तक कन्वर्ट होता है, इसमें ब्लूरोबिन तक कन्वर्ट होता है और इसके गिर्द अल्फा हेमोलिटिक के गिर्द ग्रीन जोन बनता है, इसमें क्लियर जोन बनता है और इस तरह के ये डिफरेंसेस हैं इसमें। राइट ऑन दी टॉक्सिजेनिसिटी टेस्टिंग ऑफ दी डिप्थेरिया। ये हमने डिप्थेरिया वाले लेक्चर में बताया हुआ है, उधर से पढ़ लें। टू डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में मेन है पेप्टिडोग्लाइकेन और टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन भी ज़्यादा होती है। फिल्ट्रेशन ये जो है ना ये अलग से डिस्कस हमने किया हुआ है। मॉर्फोलॉजी एंड स्टेनिंग ऑफ प्रोटीस मिराबिलिस, ये प्रोटीस पे हमारा पूरा लेक्चर है। पैथोजेनिसिटी ऑफ इकोलाई, इसमें पूरा लेक्चर है। लेंस फील्ड ग्रुपिंग पे, ग्राम पॉजिटिव कुकाई पे पूरा लेक्चर है। बबूनिक प्लेग और नमूनिक प्लेग, ये जो जर्सीनिया पेस्टिस है उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। डेंगी वायरस क्या है, ये हम माइक्रोबायोलॉजी के पेपर वन में मैंने इसकी डिटेल बता दिया है। आप पास्ट पेपर माइक्रोबायोलॉजी वन लिखेंगे तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो है ये ब्लड से फैलता है और जितने भी इस तरह के मोड्स हैं, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या सिरिंजेस हैं यूज्ड या लेंसेट्स वगैरह हैं, ये जो हमारे बार्बर्स हैं उनसे और इस तरह के जहाँ से भी ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट होगा ये फैलेगा। स्टरीलाइजेशन किसे कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके स्पोर्स को किल करना। इसको ऑटोक्लेव के जरिए, ये अलग से टॉपिक है, आप पढ़ लीजिएगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और क्रिमीपार, ये जो है ना हम पहले हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं फिर न्यूट्रिएंट एगर पे उसका लॉन बना के उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स डाल देते हैं और अगले दिन हम उसके जोन चेक करते हैं। ट्रांसमिशन पैथोजेनिसिटी एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये अलग टॉपिक है, इसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो बहुत अहम और शॉर्ट क्वेश्चन है और जिस पे हमारे वो मैंने बता दिए हैं, जो इस पे लंबे थोड़े लेक्चर
ज़्यादा समझने वाली ज़रूरत है, उसको आप मेरे लेक्चर्स जो हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।